अस्सलाम वालेकुम। बहुत से रिक्वेस्ट आ रही थी कि बाजी आप कुछ स्वीट डिश बताइए। तो अब रमज़ान में जो है पूरन पूरी बना के अपन फ्रिज में एक 10-15 दिन भी रहती जो है, इफ्तार में सहर में अगर आपको कुछ मीठा खाना दी बोला तो अपन ये खा सकते। तो उसके लिए जो है मैं पूरन पूरी के लिए ये आधा किलो चने की दाल है, आधा किलो चने की दाल को मैं 2-3 घंटे भिगा के रखी थी। उसके बाद में जो है इसमें शक्कर डाल के इसको ग्राइंड कर ली। मैं आधा किलो चने की दाल में मैं जो है आधा किलो चने की दाल में मैं जो है एक किलो शक्कर डाली, मैं 1 किलो शक्कर डाल के इसको ग्राइंड कर ली मैं, और जो है ग्राइंड कर ली। और उसके लिए जो है मैं ये 1/4 किलो मैदा ली, 1/4 किलो मैदा लेके इसमें कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ जो है मैदा अच्छा से भिगा लेना। अच्छा मैदा भिगा के ये अच्छा सॉफ्ट बन गया देखिए ये, और उसमें जो है प्योर घी होना, प्योर घी मैं ये जो है आधा किलो प्योर घी ली। अब जितना भी लगता अपन इसमें डालना है, ये आधा किलो घी है और जो है ये आधा लीटर दूध है, ये आधा लीटर दूध लगता है इसके लिए। अब कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको पैन रखेंगे इसके लिए, और जो है पैन में पैन गर्म होने के बाद जो है इसमें जो है अपन प्योर घी डालेंगे, 1-2 टेबल स्पून घी है ये, और जो है उसमें ये 2 टीस्पून जो है इलायची पाउडर है, इलायची पाउडर डालेंगे इसमें अपन। और ये जो ग्राइंड करके रखे थे अपन दाल, वो दाल को इसमें भगा देंगे। देंगे इसको जब तक कि ये जो है दाल की स्मेल नहीं जाती, कच्ची स्मेल, जब तक जो है ये असली घी में इसको पकने देंगे। और इसमें थोड़ा सा जो है 1-2 पिंच उतना कलर डालेंगे। ये देखिए ये हो गया ये। और कैसा भी आप आधा किलो चने की दाल में 1 किलो शक्कर कैसा भी डालना, अब मीठा जो है आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते, लेकिन इसमें ज़रा ज़्यादा मीठा रहता ये। आप लोग 1 किलो से कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हमारे पास ज़रा मीठा ज़्यादा खाते इसलिए मैं 1 किलो डाली, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब ये हो गया ये, अब इस अपन स्टोव बंद कर डालेंगे। अब आटे का क्या करना है मैं बता दूँ, अब क्या करेंगे चूल्हे पे जो है पैन रखेंगे, और जो है अपन जो आटा रखे थे आधा किलो मैदा भिगा के रखे थे उसके छोटे छोटे पोर्शंस कर लेंगे, वो आटे में से छोटे छोटे पोर्शन करके कुछ भी नहीं, सिर्फ जो है रोटी बेलेंगे इसकी। तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे अपन, तेल कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ जो है इसकी रोटी बेलेंगे। ये जो है ये अपन जो आटा भिगा के रखे थे उसमें से जो है छोटा सा पोर्शन लेके अपन इसको जो है रोटी बेलेंगे। इसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे अपन, तेल घी कुछ नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा जो है आटा रोटी बेलेंगे अपन, बिल्कुल पतली बेलना है इसका।
तवा गरम हो गया है, इसमें जो है रोटी डाल दें। जब तक हुआ फिर अपन और एक रोटी दे देंगे। ये चपाती के जैसा मोटी नहीं बेलेंगे, बिल्कुल बारीक फुल्का बनाएंगे इसका। ये जो है दो साइड से भी अच्छा सेक ले जाना, ये दो साइड से भी अपन अच्छा सेक लेंगे इसके लिए फुल्के। आधा किलो मैदे में जो है इतने रोटी बने हैं, अब इसको जो है छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे अपन। ये देखिए तो एक ऐसा बड़ा एक लगन लेंगे, लगन में जो है पहले सबसे पहले ये प्योर घी डालेंगे, ये एक टेबल स्पून है। और जो है इसमें जो है ये जो अपन बघार के रखे थे चने की दाल का जो बनाए थे अपन, वो डालेंगे। और ये पीसेस बना के रखी मैं, जो रोटी बनाए थे अपन उसके ये पीसेस है, ये छोटे छोटे पीसेस करके ये जो है ये पूरे इस पर एक लेयर बना देंगे इसके। और जो मैं दूध आधा लीटर आपको मिली बताई थी वो जो है मैं पहले बॉईल कर ली, बॉईल कर लेके ये आधा लीटर दूध में थोड़ा सा इसमें दूध डाल देंगे। फिर से अपन जो है इसमें एक स्पून जो है घी डालेंगे, सूखे डालेंगे। और जो है ये जो अपन मीठा बना के रखे थे दाल का वो मीठा डालेंगे। पूरन पूरी बनती है, ये बहुत मज़े की पूरन पूरी बनती है। और ये मेरे मम्मी जो है बहुत बनाते थे, ये मैं मम्मी से सीखी, ये बहुत मज़े का बनाते थे मेरे मम्मी ये। फिर अपन जो है इसमें ये छोटे पीसेस डालेंगे, रोटी के छोटे पीसेस डालेंगे इसमें। और जो है ये दूध डाल देंगे, ये आधा लीटर दूध नहीं लगता इसमें, थोड़ा सा बचा है दूध। और जो है ये जो मीठा बनाए अपन दाल का वो मीठा डाल देंगे ऊपर से। और फिर जो है एक स्पून असली घी डाल देंगे। स्टोव ऑन करेंगे और बिल्कुल सिम पे जो है इसको अपन दम देंगे, लगन को बिल्कुल सिम पे रख के इसको दम देंगे अपन। इसके ऊपर जो है ये थाली ढाप कर एक इसको एक 15 मिनट्स के लिए दम दे लेना। इसको स्लो स्लो सिम पे रख के 15-20 मिनट के लिए इसको
सिम पे रख के इसको दम दे लेना। एक दो बार चेक कर लेना इसको, कहीं ये दाल है ना ये जल्दी जो है दाम लगती है, जल्दी पकड़ लेता है ये नीचे जो है। अपन थोड़ी थोड़ी देर से जो है इसको चेक करते रहना, ये जल्दी दाम लग जाती है। अब देखेंगे, चेक करेंगे। देखो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। देखिए ये जो है ज़्यादा देर नहीं लगता इसको पकने के लिए, क्योंकि अपन दाल भी अच्छा सा तेल भी उसमें असली ही में जो है दाल भी अच्छा पका लिए थे अपन, और जो है रोटी भी अच्छा बना लिए थे अपन, इसको ज़्यादा देर नहीं लगता बनने के लिए। ये बहुत अच्छा बना, देखो आप ऐसा ऐसे ही बनना है अपने को। देखिए ऐसी चाहिए अपने को, ऐसा ही मीठा चाहिए अपने को। बस अपन स्टोव बंद कर देंगे। अब जो है इसको डिश आउट करेंगे अपन। ये बहुत अच्छा बना। ये अपन जो है कभी भी अपने को इफ्तार में सहर में अपने को कुछ भी मीठा खाना दिल बोला, ये अच्छा एक बॉक्स में डाल के रख लो आप, कभी भी दिल बोला तो ये अपन निकाल के खा सकते, एक 15 दिन भी रह सकता है ये। कभी भी अपन जो है मीठा खाना दिल बोला तो ये खा सकते। रमज़ान में तो अपने को जो है इबादत करना रहता अपने को, अपन ये इतना नहीं बना सकते। अपन ये बना के रख लेते जब भी दिल बोला अपन खा सकते। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को एडवांस में रमज़ान मुबारक। आपको कल इंशाल्लाह अपने पास यहाँ पर जो है, कल सहरी है, कल आज तो सऊदी दुबई में आज तो चांद दिख गया, कल अपने पास सहरी रहेंगी। आप लोग सबको एडवांस में रमज़ान की मुबारकबाद आप लोग को।